तो ये है शरबत गुलाब का। जो कि हम उदयपुर से लाए थे हल्दी घाटी से। तो जिस दिन हम हल्दी घाटी गए थे ना, तो हल्दी घाटी में ये शरबत की दुकान है, वहां से लाए। वहां का शरबत बहुत फेमस है। ये गुलाब का है। तो ये गुलाब जल है गाइस, ये प्योर गुलाब जल है। और उनकी फैक्ट्री हमने देखी भी थी, वहां पे बन ये रहा था जामुन सारा कुछ। ये जामुन का है और ये ना डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा रहता है। डायबिटीज और वाले ईश्वर ठीक की है। कृपा से हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। और एंड ये ये देखिए तुलसी। लिखा भी है यहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी में जामुन द्वारा निर्मित। और इस पे साफ लिखा है, खाली पेट प्रातः खाली पेट 20 ml 20 ml, हाँ 20 ml जल के साथ लेवे। और ये और तुलसी अग्रे है ये तुलसी अग्रे है, ग्रीन कलर। ये अच्छा होता है ये भी, शाहीबाग रोज प्रोडक्शन। ये मेरा ये फेवरेट। है खांसी कफ सर्दी जुखाम सांस लेने में दिक्कत, शाम को 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। ये ना ये विंटर सीजन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस पे भी क्या लिखा है, ये चैत्री गुलाब जल, गुलाब गुलाब शरबत, शरबत गुलकंद, इलायची, पान खास, लौंग शरबत, आंवला जूस, क्या क्या उनके पास डायबिटीज अमृत, अवेलेबल है? जामुन पाउडर, हाँ। और अजवाइन और खुला पुदीना नहीं पाउडर। छोड़े, फ्रिज में नहीं रखे। ये एंड ये ना है गुलाब का टेस्टी। ये है गुलाब का शरबत और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, इतना ज्यादा टेस्टी होता है ये। ये है वो अंकल जी जिनकी फैक्ट्री है वहां पे, और रियल में बन रहा था ये, ओरिजिनल हमने देखा अपनी आंखों से बन रहा था ये। गुलाब को पीस रहे थे चुन चुन के। हाँ गुलाब को ना, और खेती भी थी उनकी गुलाब की, मतलब हाँ 4 से 5 खेत रहे होंगे उनके गुलाब के, और पूरे भरे भरे पड़े थे व्हाइट गुलाब, रेड गुलाब, पिंक गुलाब सारा। तो हमने ये दो तो बड़ी बड़ी अभी अभी बॉटल लाए पियेंगे इनको। और ये दो छोटी छोटी लाए हम। हाँ तो ये पापा को बहुत टेस्ट पसंद आया था, उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाया था ना पानी के भी साथ। किया था हमने, हाँ जब लिया था ना टेस्ट किया था वहां पे। टेस्ट कराते हैं वो, पिलाते हैं वो, जितना पी सकता है कोई। हमने तो गुलाब का भर भर के पिया है ना। मैंने तो 2 बार भी मांगा उनसे। गुलाब से हर चीज टेस्ट कराते हो वहां पे, तो पूरी चलिए बनाते फैक्ट्री हैं। है ऑर्गेनिक। चलो गुलाब का पीते हैं अभी, हाँ ठीक है, ठंडे जब पापा पानी आ लाते जाएंगे फिर हैं पापा के लिए बनाएंगे। तुलसी का जामुन का। चलो आओ खाना, चलो ये इतना ज्यादा टेस्टी है गाइस कि मैं क्या बताऊं, बता नहीं सकती मैं कितना टेस्टी है। तो ये पानी ले आए दोनों के दोनों, ये डॉगी बना हुआ है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आई होप कि अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। और गाइज ये सुबह सुबह का टाइम है, तो जो मेरा गैस चूल्हा है उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैंने क्लीन नहीं किया है किचन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। टमाटर की चटनी में हमेशा टमाटर को ऐसे ही भून के बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज काटे हैं, लहसुन काटे हैं, और मिर्चे हैं, हरी धनिया हरा धनिया है, और पुदीना है। तो थोड़ा सा हरा धनिया जो है ना वो ख़राब सा हो गया, ख़राब नहीं मतलब जो ख़राब था मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर टमाटर भी भुन चुके हैं, 4 टमाटर लिए हैं मैंने। और प्याज आजकल ना ठंडे होते हैं तो प्याज ज़रूर डालती हूँ मैं चटनी में। और अजवाइन और मेथी ये सब मैं डालती हूँ ठंडियों में, क्योंकि वो ठंडियों के लिए अच्छी होती है चटनी। आजकल मैं प्याज ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलवट्टा रख लिया है, और मैं इसको मिक्सी में भी पीस सकती थी गाइज, लेकिन मिक्सी की जो चटनी होती है उसका स्वाद अलग होता है और इसका अलग होता है सिलवट्टे का। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को पीसूँगी, पहले एक डोंगे में डालूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से टमाटर को काट लूँगी और इनको बारीक से अच्छे से पीसूँगी। तो बहुत मज़ा आता है ऐसी चटनी खा के। और गाइज़ आजकल मैं वीडियो आप लोगों के साथ बस ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना। बहुत सारे मेरे भाई बहन कमेंट करते हैं कि दीदी आपका डेली रूटीन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो हाँ ख़राब हो चुका है। मैं एक बार ना अगर अपने काम से अपने ट्रैक से हट जाओ ना, तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई लिखाई, 2 साल बाद स्कूल गए हैं बच्चे, तो बड़ी मुश्किल होती है मैनेज करना। और मेरे पास 2-2, 3-3 चैनल हैं, तो ईश्वर की कृपा से आप लोगों का साथ मुझे मिल रहा है, तो मैं कर पा रही हूँ मेंटेन, कोशिश करती हूँ मैं।
तो ये देखिए थोड़े से मैंने धनिया के दाने भी डाले हैं, और मैं अपना रूटीन ना सही कर दूंगी। बस आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि अपने ट्रैक से जैसे मैं हटी हूँ ना, वैसे ही वापस आऊँगी और डेली ब्लॉगिंग करूँगी। आप लोगों को डेली ब्लॉगिंग देखने की आदत पड़ गई थी, तो ये देखिए मैंने ना धनिया और पुदीना और टमाटर ये सब पीस लिया है अच्छे से। अब मैं मिला दूँगी, और नमक को मैंने ना इसी में डाला था, किसमें, सिलबट्टे में पीसा था। तो ये देखिए ये कांच की शीशी है, कांच की शीशी में बहुत अच्छा रहता है और 4-5 दिन चल जाती है चटनी, बहुत टेस्टी होती है। इसको दही में मिला के खाओ ना तो बहुत टेस्टी होती है। चटनी तो ज़रूर चाहिए आजकल गर्मियों में, पुदीने की ठंडी होती है ना इसलिए। तो ये देखिए मेरी कांच की शीशी, प्यारी सी शीशी भर चुकी है, और अब मैं 4-5 दिन बाद ही चटनी पीसूँगी। यहाँ पर मैं आज सब्जी बना रही हूँ, लौकी और आलू की, आलू वाली सब्जी बना रही हूँ मैं लौकी के साथ। और यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिए हैं, लहसुन आजकल गर्म होता है इसलिए कम नहीं लिया है, और नहीं तो ढेर सारा लहसुन खाते हैं हम ठंडियों में, अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो मैं प्याज काट के भी रख लूँगी, और बारीक से मैंने प्याज टमाटर लहसुन काट लिए हैं, और यहाँ पर सब्जी भी कट चुकी है और चढ़ा दिया है मैंने गैस में प्रेशर कुकर, इसमें बनाएंगी। चलिए मैं ऑयल डाल देती हूँ, और मेरी ऑयल की बोतल भी ख़राब हो चुकी है, और जो अच्छी वाली बोतल थी ना वो मैंने फेंक दी गलती से, तो ये टूटी फूटी बोतल मैंने रखी है। और यहाँ पर साथ साथ मेरा सुबह सुबह के जो काम होते हैं ना वो एक साथ सारे काम होते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैंने कप बर्तन वगैरह धुले थे उनको मैं लगा देती हूँ स्टैंड पे, क्योंकि कप फूट जाते हैं, बच्चे निकालते हैं ना बर्तन ऐसे पटकते हैं कि फूट जाते हैं, तो कप को मैं सबसे पहले सावधानी से रख लेती हूँ अलग एक किनारे। कप भी रंग बिरंगे हो रखे हैं देखिए। तो चलिए यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूँगी एक लौंग, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, और दो काली मिर्च, और थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा अपने उत्तराखंड का फेमस तड़का जखिया, इससे 4 चम्मच लग जाते हैं सब्जी में, अच्छा स्वाद आ जाता है। तो प्याज कटे हुए मैंने डाल दिए हैं, इनको मैं भून लूँगी बढ़िया तरीके से, और फिर लहसुन थोड़ी देर में डालूँगी, अभी थोड़ा सा भुनने देती हूँ इनको, लहसुन भी मैं अभी डाल देती हूँ। बस डाल दिए मैंने, थोड़े से प्याज भुन लिए हैं पहले, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को मेरे वीडियो देखने की बहुत अच्छा साथ दे रहे थे आप लोग, और आदत पड़ गई थी, तो मैं ज़रूर आप लोगों का फिर से विश्वास जीतूंगी। क्या हो रहा है भाई, आजकल ये गाना चल रखा है गाइस, द बिलीवर वाला, हाँ नाच नाच के बाबू तोड़ दे था शाबाश। क्या गाना है, बिलीवर, बिलीवर मतलब बिलीव करना ना, अमेरिका का है। अच्छा ये सुबह सुबह इनके ये काम हो रखे हैं बस। अच्छा पूरा गाना गाओ तो काना का मुंह देखो। अच्छा काना पूरा गाना गाओ, पूरा गाना गाओ। बाप रे इंग्लिश गाने तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते। लिरिक्स याद तो है पर हाँ, वो आगे पीछे बोलने में नहीं आ रहा है ना। चलो यहाँ मेरा तड़का चल गया होगा। तो काना की तो ऐसे ही नौटंकी चलती रहती है। चलिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मसाले, और हल्दी मिर्च और सब्जी मसाला और नमक, और ये देखिए बस डाल देंगे, ये सुबह की नाश्ते की सब्जी बन रही है। और बस मसालों को अच्छे से भून लूँगी, और थोड़ी देर इनको ढक के रख दूँगी 2 मिनट, ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए और पक जाए, फिर डालूँगी सब्जी।
तो यहाँ पर मसाले भी पक चुके हैं, अभी डाल देती हूँ मैं सब्जी। और सब्जी को भी मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर अलसने के बाद ना मैं डालती हूँ पानी, ऐसी तुरंत पानी नहीं डालूंगी क्योंकि अजीब सी कच्चापन सा होता है वो, और फिर सब्जी को ज़्यादा पकाना पड़ता है, ज़्यादा सीटी डालनी पड़ती है उसमें, और फिर उसका न्यूट्रिशन सारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो बस इतनी ही है, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।